हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल खाना सजाना में। आज हम प्लम की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, के, सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, आयरन, पोटेशियम और फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। कर मैंने काट लिया है, इसके बीज निकाल दिए। में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून फेनुग्री सीड मेथी दाना, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून फेनल सीड यानी सौंफ डाला है। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे भुन गए हैं। अब हम इसमें कटे हुए प्लम डालेंगे। मैंने यहाँ पे 750 ग्राम प्लम लिया है। इसे अच्छे से मसाले में कोट करेंगे और 1/2 कप पानी डाल देंगे इसमें। इसमें अपने सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाला है। सॉल्ट मैंने यहाँ पे बहुत ही कम डाला क्योंकि बाद में हमें चाट मसाला और काला नमक भी डालना है। इसे बॉयल आने तक ढककर पकाएंगे। बॉयल आ गया, अब हम इसमें अपनी जैगरी डालेंगे यानी गुड़ डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप गुड़ लिया है। हम बाद में टेस्ट करके गुड़ को अगर मीठा कम हुआ तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, फिर हम और गुड़ डालेंगे। खोल कर ही पकाएंगे और चटनी को गाढ़ा करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी चटनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे प्लम गल गए हैं अच्छे से और हमारे कुछ प्लम क्रश हो गए हैं और कुछ खड़े हैं। हमें ऐसे ही चाहिए, थोड़े से प्लम हमारे मैश हो जाएं और थोड़े से खड़े रहें। चटनी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। हमें 2 से 3 मिनट और पकाना है। हमारी चटनी अब गाढ़ी हो चुकी है। हमें बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं करना है चटनी को क्योंकि ठंडा होने पे ये और गाढ़ी हो जाएगी। इसीलिए हमें रनिंग कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि ठंडा होने पे हमारी चटनी और थिक होएगी। आप देख सकते हैं हमारी चटनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे सकते हैं हमारी चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया चटनी बनके रेडी हो गई है। आप इसे पराठे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हम इसे सर्व कर लेते हैं सर्विंग बाउल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।